बस ठीक है। क्या चल? बहुत बढ़िया। मौसम का मजा ले रहे हो सर? हाँ। कौन छाता लेके नहीं घूम रहा है? छाता तो लेके नहीं घूम रहे। क्या हाल चाल बा? ठीक बा? तुमको मिलना था ना मेरे से? हाँ। तू ऐसे भी मिल लेना कभी फोन करके। बिल्डिंग के नीचे आ जा, दिन भर तो अंधेरी में घूमते रहता है। अब तुम लोग पूरा छाप दोगे सब ना? छाप गया। यार प्लीज यार, आप लोग एडिट क्यों नहीं करते हो? सर ये तो एडिट नहीं होता बस। कुछ करना? अच्छा कुछ ना है? कुछ नहीं है। बस ऐसे बस फोटो लेके जाना है तो बताओ जल्दी। इस बार बोला तो खतरों खिलाड़ी में हम कर रहे हैं और अभी हमारा शो टेलीकास्ट हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं हम सब लोग, अच्छा शो है, तो अभी जाने का कोई फायदा है नहीं। खतरों खिलाड़ी चलता नहीं तो बुलाते तो शायद सोचता भी मैं, लेकिन अभी भी बिग बॉस के लिए ऐसा नहीं है कि कल बुलाएंगे या अगले सब लोग चला जाऊंगा, उसके लिए माइंड सेटअप करना पड़ता है यार। एक बार मैं जाके देख चुका हूँ वहाँ पे, ऐसे ही जाके, ऐसे ही नहीं जा सकते आप। सो अगर आपको बिग बॉस जाना है तो आपको अपना प्लान करके जाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है उस शो में, कैसे रहना है, क्योंकि वो पूरा गेम शो है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गेम शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अगर आपको गेम ही नहीं पता है या आप गेम के बारे में जानते नहीं हो तो फिर जाके वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनने की जरूरत। जैसे कि हमारे भोजपुरी की अप्सरा सिंह, अप्सरा जी गए हैं तो क्या लग रहा है? अच्छा कर रही है वो, मैंने सुना। मैं उतना बिग बॉस देखता नहीं हूँ, टीवी पे तो वही बिहार वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ अक्षरा को बहुत अच्छे से, उनकी माँ को भी जानता हूँ, मैंने साथ में काम किया उनकी। सो मैं तो यही बोलूँगा कि बिहार की है तो उससे ज़्यादा सही मैं ये बोलूँगा कि अगर अच्छी कंटेस्टेंट है और अच्छा कर रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप उनको। कतरोली खिलाड़ी के बाद में अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट एक्टिंग को बेस्ट, एक्टिंग बेस्ड नहीं है, देखते हैं क्या होता है बाबा, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे ही होगा पता चल जाएगा फिर से। चलें? एक मिनट चल रहा है। अभी कर